Hi guys, welcome to YouTube. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बना सकते हैं इस तरह की फोटो गैलरी को और इस तरह की फोटो गैलरी को. तो ये दोनों फोटो गैलरीज बना के मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर. और सबसे खास बात पता क्या है कि ये फोटो गैलरीज बनाई हैं सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS में, और कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या कोई और लैंग्वेज हो, सिर्फ और सिर्फ HTML है एंड CSS है. उन्हीं दोनों की मदद से ये फोटो गैलरी को मैंने क्रिएट किया है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. तो सबसे पहले दोनों गैलरीज का डिफरेंस मैं आपको बता दूं. तो ये है फोटो गैलरी 1, ये है फोटो गैलरी 2. जो फोटो गैलरी 1 है, इसमें आप देख सकते हैं कर्सर जब भी मैं किसी इमेज के ऊपर लेके जाता हूं तो इमेज जो है जूम इन होके आती है हमारे पास कुछ इस तरह से, और बहुत अच्छी दिखाई देती है. ओके, जो फोटो गैलरी 2 है उसमें आप देखेंगे जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ किसी इमेज में तो वो अंदर ही जूम इन हो जाती है कुछ इस तरह से, और बाहर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, एजिस में कुछ नहीं आता, अंदर ही ये जूम इन होती है. तो ये दोनों फोटो गैलरीज कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग HTML एंड CSS, वो मैं आपको बताऊंगा अब. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. ओके, तो गाइस, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताना चाहता हूं इसके बारे में. ओके, तो पहले एडवांटेजेस मैं आपको बता दूं. तो ये चीज जो है बिगनर्स के लिए है. जिन लोगों ने अभी अभी HTML और CSS सीखना स्टार्ट किया है और बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जिनको पता है या जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोज को, वो इस चीज को इजिली बना लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और इसमें बहुत कम CSS कोड का यूज किया है मैंने, इसलिए ये बहुत इजी टू कैप्चर है. मतलब बहुत इजीली आप इसको ग्रैब कर पाओगे अपने माइंड में और समझ पाओगे इस चीज को, और बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज किया है. ओके, और थर्ड चीज, ये बहुत सिंपल है और बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत इजी टू मेक है. बहुत इजीली आप इस तरह की दोनों गैलरीज को बना सकते हो बहुत इजीली. ओके, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज एक ही है, वो है रिस्पॉन्सिव. ये फोटो गैलरी रिस्पॉन्सिव नहीं है. इसका मेन रीजन ये है बिकॉज अभी तक हमने ऐसे ट्यूटोरियल स्टार्ट नहीं किए हैं जिसके अंदर मैंने बताया हो रिस्पॉन्सिव गैलरीज को कैसे बनाते हैं. ओके, तो इसलिए मैंने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया. इन फ्यूचर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, या आप इसे खुद भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हो. आपको बस थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता होना जरूरी है. ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा किस तरह से आप इसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो. आप चाहें तो रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो फिर. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे इस पूरे गैलरी को, दोनों गैलरीज को. तो स्टार्ट करते हैं अब. ओके, तो टैब्स को क्लोज कर लेते हैं. अब न्यू टैब ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, सबलेम. ओके, तो अब फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और कंट्रोल एस, और इसे नाम दे देंगे photo-gallery.html, और सेव कर ली फाइल. और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ले आएंगे HTML फाइल का, और टाइटल देंगे इसको photo gallery by using HTML and CSS only. ओके, अब नेक्स्ट चीज, हमें इसमें CSS भी देनी है. तो CSS हम इसे एक्सटर्नली देंगे. तो एक्सटर्नली CSS देने के लिए हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे, और इससे फाइल का नाम दे देंगे हम, क्या नाम दें यार, तो इसका नाम दे देते हैं photo gallery.css. फाइल सेव कर ली. अब इन दोनों फाइल्स को हमें लिंक करवाना है, तो लिंक करवाने के लिए लिंक टैग का यूज करेंगे. हेड सेक्शन में जाएंगे HTML वाली फाइल में, और यहाँ पे लिंक टैग देंगे, तो लिंक, और फिर REL एट्रीब्यूट लगाएंगे, और एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल शीट. ओके, और फिर एक और एट्रीब्यूट जो कि है टाइप, टाइप के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश CSS. ओके, उसके बाद href लिखेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे एड्रेस हमारी .css वाली फाइल का. तो इस एड्रेस को कॉपी कहां से करना है, तो ब्राउजर में जाइए, कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए, और उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्या नाम था, photogallery.css, ओपन कर ली. ओके, ये ओपन ही नहीं होती यार, कई बार तो बेइज्जती हो जाती है. ओके, ओपन हो गई, और ये कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पेस्ट कर लिया, कंट्रोल एस, और ये दोनों फाइल्स अब लिंक हो चुकी हैं. अब नेक्स्ट चीज, हम CSS किस चीज को देंगे? तो हमारे पास डाटा होना चाहिए जिस चीज को हम CSS दे पाए. तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, पहले सारा डाटा इंसर्ट कर देंगे, जो भी डाटा हमें चाहिए, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद उस डाटा को हम CSS देंगे. तो बॉडी के अंदर जाएंगे और डाटा देना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें एक टैग बनाना है, तो मैं यहाँ पे मेन टैग का यूज करूंगा. मेन टैग के अंदर जितना भी डेटा है इमेजेस का वो सारा मैं रखूंगा. तो डिफ टैग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और डिफ को क्लास देते हैं बॉक्स नाम की. ओके, और इस डिफ टैग के अंदर मैं इमेज टैग इंसर्ट करूंगा,
इमेज टैग डाल दिया। अब यहाँ पे सोर्स पे हमें इमेज का एड्रेस देना है, तो यहाँ पे ये फोल्डर है पूरा का पूरा मेरे पास, ओके। तो इस फोल्डर को मैं, इस फोल्डर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं इस फोल्डर को। और ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल वो करते हैं ब्राउजर में और इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, सॉरी यहाँ पे पेस्ट हो गया था, हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। कॉपी कर लिया, अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर लिया तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया, इस पूरी लाइन को कॉपी कर लिया मैंने। अब मेरे पास सिर्फ 8 इमेजेस हैं यहाँ पे, तो मैं 8 बार इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट। अब एड्रेस को चेंज करना है मुझे यहाँ पे, तो इमेज 2 यहाँ पे आएगी, इमेज 3 यहाँ पे आएगी, इमेज 4 यहाँ पे आएगी, इमेज 5 यहाँ पे आएगी, इमेज 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8। ओके, तो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे बन चुकी हैं। अब ये इस फाइल को चेक कर लेते हैं एक बार। तो कंट्रोल हो और फाइल को ओपन कर लेंगे वेब ब्राउजर में। तो कहाँ पे, क्या नाम था इसका, photogallery.html। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी इमेजेस, आठों की आठों इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। और एक और चीज हमें करनी है कि हमें टेक्स्ट भी देना है यार, यहाँ पे फोटो गैलरी हेडिंग भी देनी है। तो हम क्या करेंगे, हेडर टैग का यूज करेंगे, हेडर टैग। ओके, हेडर टैग डिफाइन किया, हेडर टैग के अंदर हम क्या लिख देंगे, H1 हेडिंग दे देते हैं। H1 के अंदर हम लिख देंगे फोटो गैलरी, फोटो गैलरी। ओके, और एक P टैग भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, बिकॉज यहाँ पे इसके नीचे मैं लिखूंगा बाय यूजिंग HTML and CSS only। ओके, तो ये कर लिया हमने कंट्रोल S, और सारा का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, HTML वाली फाइल के अंदर हमने सारा डेटा डाल दिया है। अब इस डेटा को हमें CSS देनी है। ओके, तो CSS देना स्टार्ट करते हैं। CSS वाली फाइल यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो जो टेक्स्ट है पहले उसको डिजाइन करते हैं, उसके बाद इमेजेस में आते हैं। तो टेक्स्ट का फंट साइज चेंज करेंगे हम और फंट फैमिली। तो मैं यहाँ पे गूगल फंड्स का यूज करूंगा और ये वाले फंड का यूज करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस साइट की, गूगल फंड्स वाली। कॉपी कर लेंगे इस लिंक को और HTML वाली फाइल में हेड सेक्शन के ऊपर हम इसे पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल एस, और फिर से वहां पे जाएंगे और ये जो कोड है CSS वाला इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। इसको CSS वाली फाइल में डालना है इस कोड को हमें। ओके, अभी यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हेडर को हम डिजाइन करेंगे, हेडर लिखा, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे फंट साइज क्या दे रही है, इसको फंट साइज मैंने दे दिया इसको, चलो 24 पिक्सल्स टेक्स्ट को। और फंट वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर लिया, फंट फैमिली आ गई हमारे पास, डोकोडो जो भी नाम है इसका, कर्सिव, कंट्रोल एस, और इस को ओपन कर लो, क्लोज कर दो गूगल फंड्स को और रिफ्रेश करो इस फाइल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंट हमारे पास आ चुका है। ओके, अब इस फंट को हमें सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाना बहुत ईजी है, टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे और लिख देंगे सेंटर। ओके, हो गया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और ये सेंटर में आ गया हमारे पास बाय यूजिंग HTML। इसका जो है मैं थोड़ा अलग करता हूँ, पी टैग को मैं फंट साइज अलग सा दूंगा। पी टैग को कितना दूं यार, 16 सही है, 16 दे दिया, रिफ्रेश, और ये देखिए 16 तो घटिया लगा। ओके, 20 दे देते हैं इसको, और ये आ गया हमारे पास। अब इमेजेस को एडिट करना है और इसके नीचे एक लाइन भी लेके आनी थी, मैं भूल गया। तो लाइन लेके आना बहुत ईजी है, हेडर के अंदर जाएंगे, ये सॉरी HTML वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हेड टैग जहाँ पे क्लोज किया है उसके नीचे हम लिख देंगे HR/, ये वाला टैग लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आएगी, रिफ्रेश, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास बन के आ गई। ओके, अब इन इमेजेस को हम डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग CSS। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने हर इमेज को एक डिव टैग के अंदर डाला है और उस डिव टैग को हमने क्लास दी है बॉक्स, मतलब कि एक बॉक्स को डिजाइन करूंगा तो सारे के सारे बॉक्स ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएंगे। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं कोडिंग, यहां पे लिखेंगे डॉट बॉक्स कैलिब्रेसिस। ओके, सबसे पहला काम है हमें इसे डिस्प्ले करवाना है एज अ ब्लॉक। ओके, और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि एक इमेज के बाद एक आए, तो इसके लिए हम इसे फ्लोट करवा देंगे और लिख देंगे लेफ्ट। ओके, लेफ्ट लिख दिया, अब सारी की सारी इमेजेस लेफ्ट साइड को चली जाएंगी, रिफ्रेश, और ये देखिए लेफ्ट साइड को चली गई। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे विड्थ दे देंगे, तो विड्थ मैं इसको दूंगा 20% ओनली, आप जितनी चाहे उतनी। तो ओके, रिफ्रेश, और कुछ इस तरह से हमारे पास इमेज होके आ गई, बहुत भद्दी दिखाई दे रही है आई नो इस वक्त, लेकिन धीरे धीरे अच्छी दिखाई देगी। ओके, तो इस तरह की हमारे पास कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज करेंगे हम, अभी हम यहाँ पे इमेज टैग को हम डिजाइन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस इमेज टैग को डिजाइन करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ, इमेज की विड्थ कितनी देनी है, तो 100
परसेंट हम देंगे, हम चाहते हैं कि इसकी 100% विड्थ है, जितनी इमेज है उतनी की उतनी आए। ओके, तो रिफ्रेश और हमारे पास इमेजेस आ गई कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक खाली आ रहा है, ये मेरे पास अब 10 इमेजेस तो है नहीं कि मैं यहाँ पे डालूं, तो मेरे पास सिर्फ 8 थी, तो मैं क्या करूंगा इससे कम ज्यादा कर देते हैं इस चीज को। तो क्या करेंगे अब हम इस चीज के लिए, अब सोचो। हाँ, जो हमने मेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन टैग के अंदर हमने सब कुछ डाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मेन लिख दूंगा। ओके, मेन को अब CSS देंगे और इसको मैं लिखूंगा मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, यानी कि छोड़ो यार मार्जिन लेफ्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 200 पिक्सल लेफ्ट साइड से चल। ओके, तो लेफ्ट साइड से अभी चलना चाहिए, तो इस तरह से ये चल रहा है अभी भी। ओके, तो इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं 20, रिफ्रेश और कुछ इस तरह का ये अभी हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम, हर एक इमेज के बीच में गैप ले आएंगे। आप देख सकते हैं अभी इमेजेस एक साथ अटैच हैं और अच्छी नहीं लग रही हैं, तो हम गैप ले आएंगे इस चीज के। तो बॉक्स में जाएंगे, बॉक्स वाले CSS में, और यहाँ पे पैडिंग इसको दे देंगे अबाउट कितनी दूं, 10 पिक्सल्स। ओके, तो रिफ्रेश और ये देखिए इमेजेस बहुत अच्छे से आ गई है हमारे पास अब यहाँ पे। ओके, अब इसको थोड़ा सा गैप इसका थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, तो लेफ्ट वाला पैडिंग यहाँ पे हम एक और पैडिंग देंगे, पैडिंग लेफ्ट देंगे इसको, पैडिंग लेफ्ट में इसको दूंगा और 12 पिक्सल, आई थिंक 12 पिक्सल काम करेगी अच्छे से। रिफ्रेश और हाँ ठीक ही लग रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने ये बना लिया। अब क्या करना है, इसके जो एजेस हैं इमेज के एजेस, इसको सर्कल में लेके आना है, तो सर्कल में लेके आएंगे। ये करना बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे इमेज टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देंगे बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस देंगे हम इसको, देंगे 5 पिक्सल्स, आई थिंक अच्छा लगेगा। रिफ्रेश और देख सकते हैं आप इमेजेस में किस तरह से कर्व आ चुका है हमारी इमेजेस में। ओके, तो ये हमने बना लिया। अब हमें हॉवर इफेक्ट को बनाना है, बाकी सब कुछ हमने कर लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे जाएंगे। ओके, और इमेज को हॉवर इफेक्ट देंगे कर्ली ब्रशेस। अब हॉवर इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा मैं, एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आती है हमारे पास CSS के अंदर। ओके, ट्रांसफॉर्म, इसकी मदद से हम डिजाइन कर सकते हैं हमारे एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, स्टाइल्स में। ओके, जिन्होंने ग्राफिक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा इन चीजों के बारे में, स्केल स्क्यूब वगैरह के बारे में। ओके, कैलिब्रेशन, यहाँ पे स्केल देंगे हम, स्केल का मतलब साइज चेंज करना। ओके, तो स्केल के अंदर हम साइज देंगे, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो पहले एक्स का साइज दे दिया मैंने 2, और अभी मैं एक्स का ही दूंगा। ओके, एक्स का मैंने 2 दिया, तो जो एक्स क्वाड्रेंट होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल, वो देखना किस तरह का चेंज आएगा इसमें। रिफ्रेश और ये देखिए किस तरह की इमेज आ रही है हमारे पास, एकदम अच्छा लग रहा है ये, लेकिन है ना, क्योंकि एकदम से इमेज आ रही है हमारे पास, कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो इस चीज को चेंज कर लेंगे। तो वाई को भी मैं 2 दे देता हूँ यार, एक बार देखते हैं किस तरह की दिखाई देगी, तो अच्छी सी दिखाई दे रही है। ओके, अब यहाँ पे ट्रांजिशन इसको देंगे हम। ओके, तो इसको ट्रांजिशन दे देते हैं, तो ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ इसको, सॉरी ट्रांसफॉर्म कर देंगे 3 सेकंड आई थिंक, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। रिफ्रेश, अभी भी कुछ फर्क आ तो रहा है, ओ सॉरी ट्रांजिशन आना था, ट्रांजिशन आना था यहाँ पे। ओके, ट्रांजिशन आ गया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही है। बहुत टाइम ले रही है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम ले रही है ना, ये स्लो है काफी, तो इसको क्या कर देंगे हम मिलीसेकंड में ले आते हैं, तो .3 लगा दिया। रिफ्रेश और काफी अच्छी दिखाई दे रही है अब, क्यों, तो इस तरह से हमने ये चीज बना ली। तो इस तरह से इस चीज को करते हैं। ओके, अब ये हमने सीख लिया किस तरह से इस तरह की गैलरी को बनाते हैं, बहुत सिंपल था, सिर्फ इतना सा कोड था ये, सिर्फ इतना सा। अब मैं दूसरी चीज आपको बता देता हूं किस तरह से इसी के अंदर हमें जूम इन करवाना है, तो बहुत ईजी है। अब आप देख सकते हैं हम किसी भी इमेज के अंदर जा रहे हैं, तो वो गैप्स दूसरी इमेजेस हमें दिखाई नहीं दे रही। ओके, तो जैसे कि मैं इस इमेज के ऊपर जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं बाकी इमेजेस हाइड हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे, जो भी चीज किसी चीज के ऊपर आएगी वो हाइड हो जाए, ये चीज हम इसको बोल देंगे। तो ये सारा डेटा कहाँ पे है, ये सारा डेटा है बॉक्स वाले में, तो बॉक्स के अंदर हम जाएंगे, अब इसका कोड चेंज कर देंगे, बॉक्स के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड हम डालेंगे। ओके, तो ये फोटो गैलरी 1 थी, हमने फोटो गैलरी 1 बनाना सीख लिया। अब मैं फोटो गैलरी 2 बता रहा हूँ, तो फोटो गैलरी 2 बनाने के लिए सिर्फ ओवरफ्लो लिखना है आपको डॉट बॉक्स वाले क्लास में, और यहाँ पे लिख देंगे इसको हिडन, बिकॉज हम नहीं चाहते जो चीजें किसी चीज के ऊपर आ रही है वो दिखाई दे किसी को।
रिफ्रेश, और ये देखिए बन गया सिंपल। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं हॉवर इफेक्ट करते जो कर्व हमने दिया था इमेजेस को वो चला जा रहा है। तो वो लेके आने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है, इस बॉर्डर रेडियस को कॉपी करो और यहाँ नीचे भी इसको पेस्ट कर लो, कंट्रोल एस और जी, रिफ्रेश करो और ये देखो बन गया। नहीं बना, नहीं बना। अब ये क्यों नहीं बना, इसका रीजन है बिकॉज हमने इमेज में नहीं दिया ये यार, बिकॉज वो इमेज दिखा रहा है। ओके सॉरी, यहाँ पे नहीं दिया बॉक्स में। ओके तो बॉक्स में दे दिया, रिफ्रेश, अब आप देख सकते हैं वो कर्व भी हमारे पास आ रहा है हॉवर के बाद भी। तो इस तरह से हम बनाते हैं फोटो गैलरीज को बाय यूजिंग HTML एंड CSS। तो बहुत बेसिक कोड था, आई होप आपको समझ आया हो। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये कोड अवेलेबल होगा बिल्कुल फ्री, और साथ ही साथ ये इमेजेस में मेरे राइट नहीं है, लेकिन ये इमेजेस फ्री थी, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इन इमेजेस को। मैंने ये इमेजेस बनाई थी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं तब भी इनको डाल दूंगा ऑनलाइन, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इन इमेजेस का बिल्कुल फ्री, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सारी कोडिंग आपको ऑनलाइन अवेलेबल है इनकी, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं दोनों गैलरीज को। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।